भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे कॉन्वेंस सेंटर में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की वायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। तो जोरदार कल्तर ध्वनियों के साथ स्वागत करेंगे हम सभी हमारे सम्माननीय प्रिय सीएम साहब का, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के चलते आज हमारा प्रदेश उन्नति के शिखर को छू रहा है। आपने अभी अपने छोटे से कार्यकाल में ही सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो सफलताओं को खुद आगे आ बढ़ाना ही पड़ता है। हार्दिक अभिनंदन वंदन माननीय साहब का। हम भारत के वासी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा धर्म यही शिक्षा देता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाए। तो यह दीप देवता है उस प्रकाश का, जो सदैव हमें ऊपर उठने, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने और देखने की क्षमता देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, साथ ही साथ मंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यादेव सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जोरदार कल्तल ध्वनियों के साथ स्वागत किया जाए
हमारे बीच उपस्थित हैं हम सभी के सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री साहब, साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य विभाग, उनके साथ ही हमारे माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। एक बार बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को कि हम सभी के बीच आ चुके हैं हमारे माननीय अतिथिगण। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। सम्मान स्वरूप शॉल देंगे, साथ ही साथ श्री एस एन मिश्रा एपीसी सर, श्री कृषि उत्पाद आयुक्त मध्य प्रदेश शासन, आपको एक पेड़ मां के नाम। ये सुंदर जा पेड़ है आम का, ये वृक्ष सूचक है एक पेड़ मां के नाम योजना, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया। इसके तहत 12 करोड़ वृक्ष पूरे देश में लगाए जाएंगे और हमारे प्रदेश में 5 करोड़ 30 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और आज हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री जी का भी इसी पेड़ से स्वागत करना चाह रहे हैं। ये है सुंदर जाम, ये एक पौध रूप में दे रहे हैं, अभी अभी जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। यह रीवा बांदा गोविंदगढ़ में इसकी खेती की जाती है। इसके क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं हमारे उद्यानिकी के जो क्षेत्र है, जो हमारे कर्मठ हमारे जो साथ हैं उन सभी पूरे सब टीम का स्वागत किया जाता है जी। अब माननीय मंत्री जी जो हमारे सम्मुख हैं, कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य विभाग, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे माननीय मंत्री श्री नारायण कुशवाहा जी। ये इनको शॉल और एक पेड़ मां के नाम देंगे। अब माननीय मंत्री जी का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय एस एन मिश्रा जी, कृषि उत्पाद आयुक्त मध्य प्रदेश शासन, जो कि इन्हें शॉल देंगे। साथ ही साथ श्री के एस किराड़, अपर संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जो कि एक पेड़ मां के नाम प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री एस एन मिश्रा जी का स्वागत और सम्मान करने के लिए आदरणीय श्री शशि भूटन सिंह जी हमारे डायरेक्टर सर, आदरणीय जो हमारे अतिथि गण हैं उनका भी सम्मान करेंगे। इनमें है सुश्री शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी, श्रीमती पूनम कपूर जी और श्री सुधांशु सिंह जी, इन्हें भी दिया जाएगा एक पेड़ मां के नाम। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी पेड़ की छाया भी सुकून देती है। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। जहां भी होती है हरियाली, वही होती है भरपूर खुशहाली। Thank you.
आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सुबीर सिंह जी का, जो कि प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय एसबी सिंह सर, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जी। उद्बोधन के लिए जी श्री सुखबीर सिंह जी को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने श्री वचन से कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी श्री विजय शाह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और मुख्यतः मैं मंच पर आसीन जो हमारे अतिथि हैं, श्रीमती शैफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी और श्री सुधांशु सिंह जी और पूनम कपूर जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत समय बहुत कीमती होता है, लेकिन ये आवश्यक होता है किसी कार्यक्रम के लिए कि उसकी एक रूपरेखा बताई जाए और हम क्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर लगी प्रदर्शनी को देखा और उससे संबंधित चीजें और आज हम इस कार्यक्रम में क्या करने जा रहे हैं, सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं, सर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा इस चीज को और ये बताऊंगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या है और हम कैसे काम करना चाह रहे हैं। बहुत संक्षेप में जाऊंगा, दो चीजें हैं सर इस कार्यक्रम में। एक तो ये है कि हम लोग जो बायर और सेलर्स की मीट करा रहे हैं, तो बायर्स भी हैं यहां पर जो कंपनियां हैं और सेलर्स हैं जो हमारे एफपीओ और किसान हैं जो इसी प्रदेश के हैं जो उद्यानिकी की फसलों के को उगाते हैं। और तो दूसरा हमारा जो पीएमएफएमई का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अति सूक्ष्म जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है जिसके आधार पर इतने लोग धंधा कर रहे हैं, उसका हम लोग आपके माध्यम से 181 लाभार्थियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनको लाभ सब्सिडी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी में बहुत आगे है, 12% लगभग हम पूरे देश का 12% फसलें पैदा करते हैं, यहां पर उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनका सही मूल्य कैसे मिले और इसकी दिशा में हम कैसे प्रयास करें। उसके कुछ कारण भी हैं सर, जस्ट आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि आप पूरा सब एक साथ देखते हैं सर, कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है बड़ी इकाइयों को भी मिलाकर के, जो जिनको एमएसएमई और बड़े उद्योगों को मिलाकर के, पूरे देश में ही बहुत कम है, लगभग 1.2% होता है, जबकि अन्य देशों में ये 20% से लगभग अधिक होता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका कारण ये है कि हमारा बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी शायद हम लोग इस तरह से मीट नहीं कराए होंगे पहले, कारण ये रहा होगा। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर जो भागीदारी होती है वो कृषि की, जैसे ही विकसित होता जाता है तो कृषि की भागीदारी कम होती जाती है और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जाती है। तो ये हमें अपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि हम विकसित देश बनाएं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम कृषि आधारित तो उद्योग बढ़ाएं, अगर कृषि, क्योंकि कृषि में हमारी काफी हम आगे हैं। दूसरा सर ये है कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो 20% है अभी, इनको अगर हमारा जैसे ही सेलर आ जाता है, जैसे जैसे ही हमने जैसे टमाटर है, टमाटर की फसल निकली तो वो बहुत सारा टमाटर वो बेच ही नहीं पाता, तो वो वहीं पर जैसे ही उसका हार्वेस्टिंग हुआ खराब हो जाता है। तो अगर हमारा कोई बायर आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फसल चली जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इसको सर हमें
2 से 5% के बीच में लाना होगा सर। तो इसके लिए सर हम लोग बहुत सारा माननीय मंत्री जी के निर्देशन में क्लस्टर अप्रोच को भी अपना रहे हैं ताकि बेहतर फसल प्रबंधन हो, पैकिंग हो, ब्रांडिंग हो। और आज का क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, मुझे लगता है कि आगे की इस तरह की और गतिविधियां भी हमारे जो किसान हैं उनके जो सम्मेलन है उनको सही दाम दिलाने में अग्रसर, इस चीज को अग्रसर करेंगे। दूसरा जो पहलू है सर जो हम इस सम्मेलन में लेने जा रहे हैं, आपने देखा सर बाहर कि जो सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण की इकाइयां हैं जो PMFME के थ्रू होती हैं सर, हमारा लक्ष्य था सर लगभग 11,500 का 5 वर्षों का सर, और 5 वर्षों में सर हमने 4 साल निकल गए, हमने 4,700 प्रकरण ही कर पाए हैं अभी तक। 4 साल में हमने 4,500 प्रकरण करे हैं। इस साल हम लोगों ने लगभग 7,000 का टारगेट लिया है और 7,000 के टारगेट में हम लोग लगभग 3,000, जबकि हमें केवल 1 महीना ही मिला है, 3,000 प्रकरण हम लोग बैंकों को सबमिट करे हैं सर। मैं जितने भी यहाँ पे अतिथि हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यतः इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर, आप इसको सुनना चाहेंगे सर, कि जो रोजगार है सर, रोजगार बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है आज की डेट में। मैं सर बताना चाहूंगा आपको कि जो माइक्रो फाइनेंस है इसमें आपने भी सर चर्चा करी उद्यमियों से, केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसमें 4 गांव बह गए हैं, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 अस्पताल में हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है, इसमें मेडिकल टीम भी शामिल है। इसके अलावा एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 5 साल पहले 2019 में भी इन्हीं गांव में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों का आज तक पता नहीं चला। 52 घर तबाह हुए थे। मध्य प्रदेश के 7 जिले बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, रायसेन, रतलाम और उज्जैन में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नदियों के बाढ़ के चलते MP की 11 बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। रीवा में KK कार बाजार के संचालक पर फायरिंग करने वाले मामले में एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है जो नगर निगम का कर्मचारी निकला है। नगर निगम का कर्मचारी बनाकर वह कई साल से काम कर रहा है। इस प्रकरण सामने आने के उपरांत अब अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की है। बताया गया है कि KK कार बाजार के संचालक कादिर हुसैन साकिन घूगर पर गत दिवस बाइक सवार 2 आरोपियों ने खुटेई मस्जिद के पास गोली चलाई थी जो उनके हाथ में लगी थी। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए पुलिस फरियादी की पत्नी शकीना बेगम, उसके प्रेमी रेहान खान और एक नाबालिग को पकड़ी थी। नाबालिग ने थाने में पुलिस को एक अंक सूची पेश की थी जिसके अनुसार उसकी उम्र महज 17 वर्ष रही थी। इसे देखते हुए पुलिस ने उसको बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अब वह नगर निगम का कर्मचारी निकल गया है। आहत है कादिर हुसैन, उसकी जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी जो कि वही घोघर का ही रहने वाला है उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था। और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है और जिसके बाद सकीना इस प्रकार से घटनाक्रम प्लान किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की वायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन है। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। देखिए लाइव तस्वीर। एरियन इकोनॉमी थी, आधी खेती आधी बारी, खेती आधी होती थी और जब बारी की बात करते थे तो बाग बगीचे, उद्यानिकी और पशुपालन, ये सब मिला करके आधा आधा गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। आज स्थिति ये है कि देश के स्तर पे उद्यानिकी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ज्यादा हो गया है। यहाँ भी हम लोग 40-60 के अनुपात में है। कृषि का जो कुल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है
करीब 55-60% एग्रीकल्चर से है और 40-45% हॉर्टिकल्चर से है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यदि आपको स्मरण हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला रीजनल इन्वेस्टर मीट जो उज्जैन में किया था, इसके लिए एक अलग से सत्र था, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और मालवा रीजन हमारा देश का बहुत बड़ा क्लस्टर है जहां तक उद्यानिकी की स्थिति बनती है, या मटर और अन्य चीजें जो रही हैं, अभी जबलपुर के इन्वेस्टर मीट हुआ है वहां है। यह पर्याप्त संकेत है कि राज्य के मुखिया की हमारे यहाँ के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या नजरिया, क्या दृष्टिकोण, और किसानों और जो उद्यानिकी फसल ले रहे हैं किसान भाई, उनके प्रति कितनी चिंता है, कितना उनकी उत्पादों को लेकर के कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे वैल्यू चेन ऑपरेटर्स आए, किस तरह मूल्य समृद्धि हो, क्योंकि खेत का आकार वही है, उसमें जितना अधिकतम मार्केटेबल सरप्लस होगा उतना किसान भाई को जो इस उत्पादन के लिंक से जुड़ा है उसको लाभ होगा। खेती में आय का दुगुना का मंत्र जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से आ रहा है, वो अमूर्त रूप लेगा। लेकिन जब वैल्यू चेन ऑपरेटर की बात आती है तो किसान एक तरफ है, हमारे जो आमंत्रित अतिथिगण हैं इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग दूसरी तरफ हैं, ये मिल करके किस तरह से उद्यानिकी और फल वाली जो बातें हैं, सब्जी और फल, इनके मसाले, इनके रख रखाव, पोस्ट फसल के उत्पादन के बाद कृषि में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उद्यानिकी फल सब्जियां तुरंत कोई 3 दिन 5 दिन 8 दिन, कोई एक ही दिन दूसरे दिन ही मुलझा जाती है, और यदि वह इंडिविजुअल लेवल पे बेचे तो उसके दाम में आधे से कमी आती है। तो उसके स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, किस तरह से निर्यात की संभावनाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के किस तरह से मंडी और अन्य बातें हो सकती हैं, वह एक ध्यान देने की बात है। मैं आज ज्यादा समय न लेकर के केवल यह इंगित करते हुए कि प्राइमरी सेक्टर का जो कुल कंट्रीब्यूशन है, एक तिहाई हॉर्टिकल्चर का आ रहा है, एक तिहाई के लगभग जो है वो पशुपालन से है, अब थोड़ा सा एक तिहाई से ज्यादा एग्रीकल्चर का है, करीब 40%। उसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वाजिब चिंता, जिस तरह से उद्यानिकी और फलों के, फसलों की, मसालों का मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, डिफरेंट क्लस्टर आए हैं, वह किस तरह से उसका वाजिब मूल्य मिले, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधरे, इस पे हम सभी को चिंता करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसी प्राथमिकताएं हैं, उसी दिशा में आज का ये जो सम्मेलन है मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जनजातीय कार्य विभाग कि आप अपने श्री वचनों से हमें अनुग्रहित करें। Welcome to India House. For the first time, India has a home for our athletes taking part. This is a place. हमारे साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर के और बरसों मंत्री रहे ऐसे हमारे कुशवा साहब, सभी हमारे अतिथि बंधु इस पांडाल में, इस हॉल में जो हमारे विशेष अतिथि पधारे हैं, उन सबको स्वागत करता हूं। अभी हमारी मैडम बता रही थी कि हम अतिथि हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी सही में अतिथि में, जिसकी तिथि तय नहीं है वो अतिथि, मेरी तिथि तय नहीं थी इसलिए मैं अतिथि। ये मेरा इस कार्यक्रम में मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां लेके आए, आपसे मिलने का मौका मिला, और मैं बहुत लंबा मुझे भाषण नहीं देना है, मंत्री जी को सुनना है, मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मुख्यमंत्री जी जहां से आते हैं वो किसी से छुपा नहीं, और भगवान कृष्ण के साथ जिसने शिक्षा ली हो, और आज हमारे मुखिया हैं, और इसलिए कोई आपकी काबिलियत पर
किसी को भी शंका नहीं है। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप एक छोटा सा उदाहरण आज देख लीजिए। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते, बंबई में, दिल्ली में बड़े व्यापारी के साथ। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के लिए वास्तव में आपको तारीफ करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, गांव के छोटे छोटे किसान, 2 लाख 5 लाख के भी हमने देखा, जो छोटे छोटे बाजार सेलर है 10-20-50 लाख के, उनकी चिंता भी ईमानदारी से जितनी चिंता बड़े व्यापारी की, उतनी गरीब किसान की और छोटे व्यापारी की चिंता अगर कोई करने वाला मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने, नहीं तो बोल सकते थे मुख्यमंत्री जी को तो इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं कि भाई ठीक है मंत्री जी आप देख लीजिए। लेकिन आपने दिल से आपसे मिलने का समय निकाला और आपका अभी हमें उद्बोधन भी प्राप्त होगा, आपकी भावना की हम कदर करते हैं। अभी आपने एक वृक्ष दिया, आम दिया, उसमें लिखा है मां के नाम। मोदी जी ने ऐसे ही वृक्ष को मां का नाम नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके मां होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे आखिरी में भोजन, वही प्रेरणा हमें वृक्ष देता है। दूसरों के लिए जीना ये हमारे प्रधानमंत्री जी सिखा रहे हैं कि खाली वृक्ष एक मां के समान है, उसका पूरा जीवन देखें। यहां आपने लगाया, सुंदरता बढ़ा रहा है, बाहर लगाओगे छाया देगा दूसरों के लिए, और बड़ा होगा फल देगा दूसरों के लिए, थोड़ा और बड़ा होगा पक्षी घोंसला बनाएंगे, ऑक्सीजन देगा दूसरों के लिए, छाया देगा दूसरों के लिए, और अंतिम समय में आपके हमारा काम यही आएगा। तो अभी कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा वृक्ष हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है, और उस वृक्ष से अगर आपने स्वागत किया मोदी जी का। और सीधे चलेंगे भोपाल के कुशाभाव ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन, जहां इस मौके पर कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। ये बात सही है कि बदलते दौर में आवागमन के संसाधन हो गए, व्यवस्था हो गई, और ये माल कच्चा माल भी है। टमाटर को रखोगे तो कितने दिन रखोगे, रखने की भी। लेकिन आपने और अच्छी बात कही है, आप भी सब उसी में से हिस्सेदार हैं कि टमाटर की अब जो हमारी वैरायटी है, वैरायटी में जो पुराने टमाटर, देसी टमाटर चलते थे, वो देसी टमाटर का अपना एक मजा अलग है। हो सकता कल उसके बारे में भी कोई अच्छा उद्योग लगे, लेकिन अभी जो हमारे खास करके कलर वाले टमाटर है ना, जिसको बोल दें, और उनको क्या बेल वेल पे लगाते हैं, अच्छा बिना बेल बास के, तेने का हम उसको भी बढ़ावा देंगे ताकि किसान को उनका उत्पादन की क्षमता ज्यादा हो, कीमत अच्छी मिले, और कुल मिलाकर के ये काम हो। ये बात बिल्कुल सही है कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों के बीच में अगर उत्पादन क्षमता की बात करें या किसानों की उस वित्तीय व्यवस्था में उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो वित्तीय व्यवस्था में तो करीब करीब आप भी उनके करीब पहुंच गए, लेकिन आपका उनका अगर भौगोलिक एरिया देखो तो वो बहुत बड़े स्तर पे है, लेकिन आपका दायरा छोटा है, लेकिन आपने ऊंची छलांग लगाई। आपको बधाई देना चाहूंगा। बदलते दौर में जब हमारे लिए, अब जब खेती के लिए पानी पर्याप्त हो गया, बिजली पर्याप्त हो गई, आवागमन के साधन अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे में इसकी संभावना बहुत अच्छी है। ये आप क्या क्या काम करते हैं? सर, मैं डिहाइड्रेशन यूनिट चलाती हूँ, जिसमें मैं मैंगो को डिहाइड्रेट करके और उनकी उसको पीलिंग और स्लाइसिंग करके उसको डिहाइड्रेट करके एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ। ऑनलाइन करते हैं? हाँ सर, वो अमेजोन पे भी चलता है, मेरी खुद की वेबसाइट भी है premierfresco.com, उस पर भी देती हूँ। और सर, विगत 2 वर्षों से मैं न्यूयॉर्क में भी एग्जीबिशन में अपने उत्पाद ले जा रही हूँ। देखो मध्यप्रदेश का नाम कहा है, US ले जा रहे हैं, बताइए हमारी बहन को। तो सर, अभी तो वहाँ पे हम बल्क में दे रहे हैं, लेकिन काफी हम 2 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता भी मिली है। तो सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से ये PMEFME योजना जो निकाली है, इसके तहत लोगों को बहुत मिल रहा है, और मैं काफी लोगों को रोजगार भी दे रखा है,
मेरी जो कंपनी है नेको फ्रेश के नाम से है, उसमें अभी 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने महिलाएं। कौन से जिले में चला सर? ये विदिशा जिले में है और विकासखंड कुरबाई है मेरा। कुरबाई किसी और कारण जाना सर? बिल्कुल सर, एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरा एक, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली देखती है, मेरे यहाँ पे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी है। अच्छा। जिसमें हम टिश्यू से प्लांट्स तैयार करते हैं और पूरे भारत वर्ष में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या क्या आप करते हैं उसमें? सर उसमें सारे हैं, ऑरेंज भी है, लेमन है, अंजीर है, और अपना ये नींबू की सारी वेराइटियां हैं, बैम्बू है और अमरूद है, सारा कुछ है, और आम को हम ग्राफ्टेड करते हैं। जरा बताओ टिश्यू कल्चर की क्या लागत है आपकी लेब की और क्या प्रॉफिट हो रहा है, जरा दोस्तों मालूम पड़े। सर बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी, अभी मेरा जो उसका सालाना टर्नओवर है वो 1516 करोड़ रुपए है, और उसमें मुझे भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई थी, और अभी वो उसमें कम से कम मैंने 100 या 150 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। तो ये अभी आप समझिए कि अभी एमपी की शायद तीसरी या चौथी लैब होगी और अभी ये टॉप पे चल रही है। तो मैं अनुरोध करूंगी, हमारे माननीय मंत्री जी सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार आप हमारे यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। जरूर आएंगे, बधाई आपको हमारी बहन के लिए। क्या नाम बताया आपने? रेखा शर्मा। मेरे हस्बैंड देखते हैं वैसे ये टिश्यू कल्चर। अच्छा, वो फोटो खींच रहे हैं। ये ठीक है, देखो ऐसे ही प्रोत्साहन देना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ। शर्मा जी आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई, आप देश में प्रदेश में दुनिया में अपना नाम कमाए। हाँ सर, ये जो नेको फ्रेश वाले जो बहुत अच्छा डिहाइड्रेट वाले जो है वो अभी हमारा अमेरिका में भी चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आगे भी हम उसके एग्जीबिशन में शामिल होते रहें। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है बेटा? नमस्ते सर, मैं श्रद्धा खरे हूँ और मैं ग्वालियर को बिलोंग करती हूँ, और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी दो बेटियां हैं, और वो मोटिवेशन है मेरा कुछ करने का, और इसी वजह से मैंने इंस्टेंट रसोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी। और हमारे पास बहुत सारे डिहाइड्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम कैलिफोर्निया में सप्लाई करते हैं, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मुझे वन ऑफ द टॉप 3 वुमेन एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करा, और मैं यूएस गई और अपने देश को रिप्रेजेंट किया, और पीएमएफएमई स्कीम और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब उन्होंने ऐसा इमेंस सपोर्ट किया है, हमको एक सपोर्ट सिस्टम दिया लाइक अ फैमिली टू अस, जो कि हमेशा मतलब सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। हमारे डीआरपी मिस्टर अक्षत अग्रवाल जी ग्वालियर में, मतलब उन्होंने बिल्कुल हैंड होल्डिंग करी हमारी कि कैसे हम लोन लें, क्या लें, बिकॉज स्कीम्स तो बहुत होती हैं लेकिन पता नहीं पड़ पाती हैं, बट उनके थ्रू और डिपार्टमेंट के थ्रू इतना ज्यादा हैंड होल्डिंग मिला है। अभी तक बैकवर्ड लिंकेजेस होते थे हम फार्मर से, जैसे हमने ये आलू खरीदा तो मसाले के साथ जो मसाला डोसा मसाले का आलू होता है ये हम बनाकर कैलिफोर्निया भेजते हैं, जिसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, डोसे के साथ खा सकते हैं, एंड 100% प्रिजर्वेटिव फ्री, जिसकी शेल्फ लाइफ 18 महीने होती है और उससे भी ज्यादा। वाह, बधाई आपको, बहुत बधाई। जैसे टोमेटो आपने कहा कि बहुत महंगा हो जाता है, तो जब सस्ता होता है तो हम उसको प्रोसेस करके इस फॉर्म में रख लेते हैं, सो दैट आप उसको पूरे साल सस्ते दाम में यूज कर सकें। फिर हमने सब मिलेट्स को भी बहुत यूनिक रूप दिया है, जिससे बच्चों को प्रमोट करने के लिए वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आए, और मिलेट्स की शेल्फ लाइफ कम होती है तो हमने उनको इस तरीके से प्रोसेस किया है कि इसकी शेल्फ लाइफ 9 मंथ से 12 मंथ तक रहती है, और आप नो एमएसजी, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स और हेल्दी फूड आप खा सकते हैं। और अभी तक बैकवर्ड लिंकेजेस में हेल्प थी और अब फॉरवर्ड लिंकेजेस में भी हेल्प हो रही है, ये बायर सेलर मीट के थ्रू हम एक छत के नीचे इतने सारे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा हैं, तो अब लगता है कि अब उड़ान का समय है, जब स्काई इज द लिमिट, और अभी सिर्फ हम यूएस में हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैम से भी बात हुई अपेडा में, कि अब हम यूरोप और यूएई बहुत सारे कंट्रीज तक अपनी पहचान बना सकते हैं और एमपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपका, सभी मंत्रीगण का। सीएम साहब, आपको मैं आमंत्रित करूं उससे पहले आज सुबह सुबह मैंने दो लाइन आपके लिए लिखी हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी। न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न मांगे न मंगाए हुए उर पड़ों से उड़े,
न कागजों के बनाए हुए परों से उड़े, फलक को छूने की जिद थी तो छू लिया आखिर, उड़े तो अपने ही उगाए हुए परों से उड़े। आपका अभिनंदन वंदन, और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, और आपसे सविनय अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज के क्रेता विक्रेता सम्मेलन के इस मंच पर मौजूद, मैंने नाम तो दोबारा लेना नहीं चाहिए, लेकिन माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, हमारे अपने इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार, ये वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को। कितना अलग प्रकार का उनका सोच है और कितने सेक्टर को समेट के चल रहे हैं, कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा। और खास करके वर्तमान के दौर में देश की इन व्यवस्थाओं पे इसी तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है। मैं अभी दो दिन पहले ही दिल्ली से लौटा हूं, और दिल्ली के हमारी नीति आयोग की बैठक में भी जो विषय निकले, उस विषय में एक बड़ा विषय यही था, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुसमृद्धि में बदले, हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश को और दुनिया में अपनी पहचान बनाना, तो कौन कौन से सेक्टर में हम लोग बढ़ सकते हैं। और खुल करके प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया है कि हमको हमारे निवेशकों को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाए। और ये बात भी सही है कि इसी बात को लेकर के हमारी सरकार बनी, तब भी हमने इसी तरह से मेहनत की कि आखिरकार हम अपने बाकी निर्माण के अवसंरचनाओं के इन सारे कामों को तो करेंगे कहते हैं, लेकिन इसके बाद में भी जो जहां जरूरत है वैसे नीडी क्षेत्र में हमारी दृष्टि जाए और उनकी कठिनाइयों को निवारण करते हुए उसमें हम ताकत दें। और यही कारण है कि लगातार मैं एक के बाद एक ये जो रीजनल समिट कर रहा हूं, उस रीजनल समिट में भी एमएसएमई है, हेवी इंडस्ट्री है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी फूड इंडस्ट्रियों को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियां, इनके लिए ज्यादा जरूरत है, और उससे ज्यादा हॉर्टिकल्चर वाले सेक्टर में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसी में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब जैसे ये हमने इसमें कुछ सुधार भी किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए डीबीटी के माध्यम से, होता है बहुत सारी जगह कठिनाई आती है, लेकिन इन कठिनाइयों का निराकरण भी कर रहे हैं। भगवान ने एक विशेष वरदान दिया भारत को, और भारत के अंदर हमारी सभी प्रकार की ऋतुओं में सब प्रकार की फसल की संभावना है, लेकिन उस आशीर्वाद में ज्यादा आशीर्वाद मध्यप्रदेश को और ज्यादा मिल गया कि हम अपने लिए मध्यप्रदेश के दिल में, देश के दिल में रहते हैं, जहां पर ये सभी संभावना और ज्यादा है, जिसके कारण से पूरे देश से हमारा आवागमन व्यवस्थाएं, ऋतुओं के लाभ भी है, और कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार भी हम नहीं होते। कोई बड़ी समुद्री आफत हमारे पे नहीं आती है, कोई तूफान नहीं आता, कोई बड़ा ऐसा सूखा नहीं पड़ता। बड़ा बदलते दौर में जब हम सभी प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं, प्लान तो आगे कार्गो तक का भी है, जिसके कारण से भविष्य में हमारे उत्पाद को और तेजी से कहीं पहुंचा सके। लेकिन आज के इस दौर में हमारी नई पीढ़ियों ने जो अभी सामने दिखाया, बड़ा आनंद के साथ अब मिलेट की आइसक्रीम मिले, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा था कि इतना टेस्टी आपने ये जो प्रकार निकाले, कोई से कोई कितने प्रकार के आइटम है याद ही नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, और सरकार के लेवल पे भी माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी आपके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि ये हमारे कृषि उत्पाद में, खासकर हॉर्टिकल्चर में, इंडस्ट्री से तालमेल कैसे कराएं, तो ये जो सभी प्रकार के उत्पाद जिनसे अपने बलबूते पर हमारे क्रेता विक्रेता पक्ष बहुत मजबूती से आर्थिक एक सुविधा की चेन बना सकता है, उस पर ध्यान देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितने अच्छे ढंग से बहनों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, कितना अच्छा लगता है, हमारी ये कुरवई की बहन ने अपनी बात को रखा है, आपका अभिनंदन। शेफाली खरगोन से टमाटर का बड़ा इंडस्ट्री का कारोबार कर रही है एक खरे बहन हमारी, ग्वालियर से आई, ये तो नाम बोल रहा हूं जिनसे मेरा परिचय हो गया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और निश्चित रूप से आप और हम सब टारगेट करें
पांच साल के अंदर हम जो जो काम कर रहे हैं उस काम को आप डबल तक ले जाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी क्षमता योग्यता के साथ जितना काम कर सकते हैं उसमें और आगे बढ़े, सरकार आपके साथ रहेगी। और ऐसे बड़े यूनिट भी इस दिशा में अगर लगाना है जिसको विशेष रूप से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सरकार को कहीं प्रोत्साहन देना हो तो सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई कष्ट नहीं है। और साथ ही साथ दूसरे प्रकार का भी वित्तीय संसाधन के आधार पर भी मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से अपने यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी वाला फूड इंडस्ट्री वाला पार्ट है इसमें इसके सभी प्रकार के अंदर की जो एक तरह से अच्छाई को समझ करके जहां जहां वित्तीय मदद की जरूरत होगी सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन पाकर आज हम भी कृतार्थ हो गए। हमारे माननीय अतिथि गणों का आभार प्रदर्शित करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री एस बी सिंह, संचालक उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी, माननीय विभागीय मंत्री श्री उद्यानिकी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंच पे विराजमान वरिष्ठ अधिकारी हमारे एपीसी सर, पीएस सर, और यहाँ पे श्री शेफाली भदौरा जो संचालक फूड ट्रैक्स इंडस्ट्री हैं, सुश्री निधि पंत जो संचालक एस फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, और श्री सुधांशु सिंह जो आईटीसी समूह से हैं, और श्री पूनम कपूर जो एपिडा के क्षेत्रीय प्रमुख हैं। आज ये जो एक दिवसीय कार्यक्रम है विक्रेता विक्रेता मीट कार्यक्रम, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में उद्यानिकी विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्लेटफॉर्म पे किसानों को और साथ ही साथ युवा उद्यमियों को और नए उद्यमियों को एक साथ बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, एक दूसरे से परिचय प्राप्त होगा, वो निश्चित तौर पे अपने नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यानिकी विभाग के द्वारा अगले 5 वर्षों का जो रोड मैप बनाया गया है उसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र विस्तार में अभी हम लोग 26 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा क्षेत्रफल है जिसमें उद्यानिकी फसलें होती हैं, अगले 5 वर्षों में हम इसको 33 लाख 34 लाख हेक्टेयर में हम इसको ले जाएंगे। अभी हमारा जो प्रोडक्शन लगभग 400 लाख मिलियन टन है उसको हम 560 लाख मिलियन टन तक ले जाने की हमारी पूरी योजना है, हम उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं। जैसा आप सबको पूर्व में ही बताया है, आप सबको विदित है कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सिर्फ कृषि क्षेत्र पे आश्रित होने से काम नहीं चलेगा, हमको उद्यानिकी विभाग के फसलों के ऊपर निश्चित तौर पे जाना पड़ेगा। जब हम उद्यानिकी विभाग की फसलों की बात करते हैं तो फसल के साथ साथ हम उसमें वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, और बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम वैल्यू एडिशन करते हैं और प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं उनको देश और विदेश में बेचते हैं। आज ये इसी उद्देश्य के अंतर्गत ये आज की एक ये मीट रखी गई है। पीएमएफएमई एक महत्वपूर्ण योजना है, विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से भी जैसे एमआईडीएच है, आरकेवीवाई है, पीडीएमसी है, इन सबसे हम लोग इन सारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र विस्तार का काम करते हैं और जो 5 साल के हमारे रोड मैप है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। आज इस अवसर पर आप सभी लोग पधारे, अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यशाला, ये संगोष्ठी और ये जो मीट है ये सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करते हैं कि ये जो टीम हमारी काम कर रही है इसके साथ एक फोटो तो बनता है।